नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। दो दशकों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के कांग्रेस के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और यहां पर 319 डेलीगेट जो हैं वो चुनाव के मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो दूसरी तरफ शशि थरूर हैं। कांटे की टक्कर इस दोनों प्रत्याशियों के बीच है, लेकिन 319 कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं। बहुतों ने वोट भी कर दिया है, 70% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है इस वक्त। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार यहाँ पे नज़ारा आप देखेंगे कांग्रेस कार्यालय पे, जहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है, चुनावी माहौल पूरा है इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। लोगों में खास उत्साह है चुनाव को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, और कई लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद भी हैं। आप भी चुनाव डेलीगेट्स हैं, चुनाव वोट कर दिया आपने? जी वोट कर दिया मैंने। क्या लग रहा है, क्या नतीजे आएंगे? देखिए, यहाँ स्थिति लंबे समय के बाद नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 बार वोटिंग की है। पहले एक बार वोटिंग किया है जब चुनाव लड़े थे केसरी जी, फिर सोनिया जी, ये मेरा तीसरा चुनाव है। तीसरी बार आप वोट कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति बन रही है? स्थिति बन रही है, देखिए ज़्यादा लोगों की जो विचार आ रहे हैं, जो लोगों से हमारे मित्र दोस्त मिल रहे हैं, वे सारे लोग खड़गे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। खड़गे को ज़्यादा जी, जो रुझान है वो ज़्यादातर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि सोनिया गांधी के भी करीबी हैं, गांधी परिवार के भी करीबी हैं, कहीं ना कहीं रुझान जो है वो उनके तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम बात करेंगे कई और डेलीगेट से भी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस कोटे के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, साथ में रामेश्वर उराव भी हैं। उनसे समझते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसको लेकर वो क्या समझ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त सांसद गीताश्री उराव भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि आज जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसको लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं। दो दशक के बाद 6ठी बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वोट देने के लिए पहुंची हुई हैं आप, ऐसा लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग अपनी बातों को खुल के रख सके और अपने विचार रख सके, और ये एक राजनीतिक पार्टी में भी लोकतंत्र है, ये दर्शाता है। और उसी के तहत आज हम लोग अपने मन से या विचार से हम लोग आज वोट किए हैं, ये होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी दोनों ने पर्चा भरा है, और दोनों ही सर्वमान्य नेता है, दोनों कांग्रेस की नब्स को जानते हैं अच्छे से कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है या देश के क्या हालात है, ये दोनों ही अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एक लोकसभा से, राज्यसभा से। तो मुझे लगता है कि उन दोनों का इस तरह से पार्टी में आना और अध्यक्ष पद के लिए, तो ये आप जोश और उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खुश हैं, अपने लिए खुद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता हैं, लेकिन दोनों में जो कांटे की टक्कर हो रही है उसको आप देख पा रहे होंगे ना, लेकिन जो इस झारखंड की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे जो 319 जो डेलीगेट्स वोट देने के लिए पहुँचे हुए, कहीं ना कहीं पलरा जो है वो खड़गे साहब का भारी लग रहा है। देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकती किसका पड़ला भारी है, क्योंकि ये गुप्त मतदान है, सबने अपने विचार से, अपने सोच से सभी ने मतदान किया है, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि किसका पड़ला भारी है। देखिए, 319 डेलीगेट वोट आज करेंगे, अभी करीब करीब 200 डेलीगेट ऑलरेडी वोट दे चुके हैं, जो जानकारी हमें मिली है 200 हो गया। हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, और ऊपर हम लोग का यही है कि जो भी चाहे, अगर हमारा मन में ये अच्छा है तो हम उसको देंगे, उसका अच्छा चाहेंगे। लोकतंत्र का जो परंपरा है उसी को डेकोरम को पूरी करते हुए हम लोग ने वोट में पार्टिसिपेट भाग लिया है। 2 दशक के बाद यह मौका मिला है। देखिए, ये अलग है, अलग चीज़ है। आपने अभी तक कितनी बार इसमें शामिल हैं? हम 2 बार दे चुके हैं। 2 बार, हाँ, एक सेकंड टाइम मेरा हुआ है, हमने 2 बार दे चुके हैं। और जब 2 उम्मीदवार खड़े होते तब वोटिंग का जरूरत पड़ता है, जब 2 कैंडिडेट खड़े नहीं होते हैं तो वोट का जरूरत नहीं पड़ा। इस बार 2 कैंडिडेट खड़े हुए, हम लोग वोट दे रहे हैं, और जो चुन हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? ये तो कल 19 तारीख को ही पता चल जाएगा, आज तो यही पता चलेगा। आज तो हम लोग वोट कर रहे हैं, और ये वोट सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश में हो रहा है, इसलिए कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम लोग बोलेंगे जो भी चुनाव जीत कर आते हैं वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और वही हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। ये दोनों ही दिग्गज नेता, निश्चित तौर पर एक ही जीतेगा, लेकिन एक ही बात की राजनीति में
राज्य में तो जो जीत चुनाव जीत कर आएंगे वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसका मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी और भी सशक्त होंगी। कितने बजे आए थे आप? हम 40-45 मिनट पहले आए थे। झारखंड से 319 डेलीगेट्स वोटिंग कर रहे हैं। जी जी, क्या किसके पक्ष पाले में है? किसके पाले में होगा वोटिंग के दिन पूछिएगा, एक अथी है पार्टी है। अरे इंटरनल डेमोक्रेसी। हाँ हाँ, इसके बाद दोनों ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता है, इसके बाद क्या होगा? शशि थरूर बलकर खड़गे कांग्रेस के लिए दोनों ही, जिसको डेलीगेट्स जीताएंगे वो हमारा अध्यक्ष होगा, माननीय अध्यक्ष होगा, और उसी के तले हम लोग, उसके लीडरशिप के तले हम लोग चलेंगे, पार्टी चलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मतदान की प्रक्रिया शुरू है इस वक्त, और यहाँ पे प्रोसेस जो है यहीं बाहर से पहले आपको यहाँ पर अपने नेम को यहाँ पर देखना होगा, टिक करनी होगी, फिर बैलेट पेपर पर नेम लिखने के बाद तब आप अंदर जाएंगे। क्या प्रोसेस है समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो भी डेलीगेट हैं वो यहाँ पे आते हैं अपना डेलीगेट कार्ड लेके विद आईडी प्रूफ, यहाँ से उनको पर्ची बना के दिया जाता है। उसके बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर में दो बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स वन और बॉक्स टू, वहाँ पे जाके एक बॉक्स में सिर्फ टिक करना है, जिसको चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को या शशि थरूर जी को, दोनों में से जिसको देना है उनके नाम के आगे एक बॉक्स में टिक करना है। जी, नाम लिखा हुआ है, बॉक्स में टिक करके बॉक्स में डाल देना है। अभी तक टोटल आउट ऑफ 319 246 वोट हो चुकी है, जो अराउंड 77% होता है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 95% हम लोगों का यहाँ पोलिंग होगा, क्योंकि अभी 1:30 बजा है, 4 बजे तक टोटल पोलिंग टाइम है, तो उम्मीद है कि 95% तक पोलिंग होगा। पोलिंग एजेंट बता रहे हैं कि 90% से ऊपर वोट मिलेगा। अब देखना होगा 19 तारीख को कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।